किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपको आज बताता हूँ कि गन्ने के साथ सह फसली खेती कैसे की जाती है। मित्रों, ये गन्ना मैंने नई वैरायटी का गन्ना 13-235 लगाया है। ये गन्ने का पौधा पकड़े हुए मैं खड़ा हूँ। इसके साथ में देखो ये लाही का खेत, लाही खड़ी हुई, इसके साथ में लाही की खेती की जाती है। इसके साथ में आलू भी हो जाता है, इसके साथ प्याज भी हो जाता है। कितनी बढ़िया लाही की है, इससे हमारी गन्ने की जो लागत है वो लाही से निकल जाती है। गन्ना हमारा पूरा सेफ बच जाता है। इसके साथ में हम दूसरी अन्य शिमला मिर्च है, अचार वाली मिर्च है, और भी खेतियाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने खेत में गोल्डी सुपर वैराइटी नाम की लाही बोई है। गोल्डी कंपनी की सुपर वैराइटी बोई है, जिसकी उपज 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ हो जाती है और गन्ना भी इसमें बढ़िया हो जाता है। लाही के साथ में गन्ने की खेती करने से हमें अधिक मुनाफा मिलता है। गन्ना ये शरदकालीन गन्ने की बुवाई की जाती है और शरदकालीन गन्ना बोने से गन्ने की जड़ें बढ़िया मजबूत तरीके से पकड़ लेती हैं। इसके बाद में लाही कट जाती है। लाही काटने के बाद में फिर इसकी निराई गुड़ाई करने के बाद में गन्ने का हमको पूरा जो लागत होती है वो हमें हमारी बच जाती है, लाही से निकल जाती है। लाही का रेट लगभग इस वर्ष 8,000 से 9,500 रुपये प्रति कुंटल तक रहा था, तो लगभग इतनी ही गन्ने में हमारी लागत आती है एक बीघा खेत में। तो लाही हमारी पूरी गन्ने की लागत निकाल लेती है। गन्ने का पूरा पूरा लाभ हमें मिल जाता है, जिससे किसान संपन्न होता चला जाता है। तो मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गन्ने के साथ में लाही की खेती करें, आलू की खेती करें, मिर्च की खेती करें, लहसुन की खेती करें, प्याज की खेती करें, कोई भी सह फसली जरूर करें। शरदकालीन गन्ने की बुवाई करें। मशीन द्वारा भी गन्ने की बुवाई, आलू की बुवाई एक साथ की जाती है, जिससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिले। धन्यवाद।